हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। ये बताइए प्रधान जी, आप मणियाहों कोतवाली माए हैं, क्या मामला है आप जरा बताइए। आप अपना नाम बताइए, कहाँ के प्रधान हैं? ऐसा है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, पहली बार प्रधान मेरी भयो है जी। और मैं ग्राम सभा बुजुर्गा से जी आया हूँ। और दो लोग आपस में जो है आपसी विवाद जमीन का लेकर के किए थे, उन्हीं का सुलह समझौता कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या मामला हुआ, सुलह समझौता हुआ? ऐसा है कि मामला यह था कि अमरनाथ पुत्र हरदेव जो है जी अपने रजिस्ट्री की जमीन में, बैनामे की जमीन में जी निर्माण करा रहे थे जी, जो 408 नंबर है जी, उसके बगल में जस्ट सटा हुआ 589 या ऐसा कुछ नंबर है आबादी है जी, इसमें पुराने के पूर्वज लोग बहुत पहले से बसे थे। तो 589 में वीरेंद्र यादव पुत्र राधेश्याम यादव ने आपत्ति किया कि यह जो है आबादी की जमीन है जी, जो कि 1995 में हरदेव पुत्र जो है विश्वनाथ यादव रजिस्ट्री चंद्रभान यादव से लिए थे जी। तो और उसमें जो वोट भी रहे हैं मौके पे वो उन्हीं के कब्जे में है, और उसमें जो है फसल जो है जोतते बोते हैं। वो वर्तमान में उनको रहने की दिक्कत हुई, उनका कच्चा मकान था गिर गया अमरनाथ हरदेव का जी, और वह उसमें जो है अपना निर्माण करा के पत्रा उत्रा रख के रखना चाहते थे, जो कि वीरेंद्र पुत्र राधेश्याम यादव द्वारा जबरदस्ती रोका गया। तो यहाँ पे दोनों पक्ष आया हुआ है, दोनों पक्ष बंद है। बंद है जी। तो आप सुलह समझौता करा रहे थे लेकिन हो नहीं पाया? नहीं नहीं, ऐसा सुलह समझौता का प्रयास किया जा रहा है, दोनों लोग अपने हैं और हम चाहते हैं कि दोनों लोग आपस में मिल बैठ करके और उस समस्या का निवारण करें, और उसको जो है सौहार्दपूर्ण जो है आपसी भाईचारा के साथ जो है निर्माण कराए, जो जिसका है वो तो उसी का है जी, और उसमें कोई जबरदस्ती ले नहीं सकता जी। अच्छा, मामला कब आया मणियाहों कोतवाली में? मणियाहों कोतवाली में मामला आज सुबह जो है वीरेंद्र यादव पुत्र राधेश्याम यादव द्वारा यह आपत्ति किया गया कि हरदेव अमरनाथ पुत्र हरदेव द्वारा जबरदस्ती जो है आबादी की जमीन में निर्माण कराया जा रहा है जी, और जो कि वो आबादी की जमीन उसके बगल है, कई बार पैमाइश भी हुई है इसके पहले जी। अच्छा, किस ग्राम सभा की घटना है? ग्राम सभा बुजुर्गा की। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शिव जगत यादव। धन्यवाद।